भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग पर काबू नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह ने राजनाथ सिंह से बात की, आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी है। यह बहुत चिंताजनक खबर है। आज रात AN-32 विमान, MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। एयरफोर्स से मदद मांगी गई है आग बुझाने के लिए। यह बहुत चिंताजनक है। AN-32 विमान, MI-15 चॉपर भोपाल पहुंचेंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, एक एक अपडेट दीजिए तुरंत। देखिए बिल्कुल निशांत, ग्राउंड जीरो पर ही हम जब से आग लगी है तब से ही बने हुए हैं। सबसे पहले सतपुड़ा भवन की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ का क्या हाल है, क्योंकि सेना इस वक्त आ गई है। एक दर्जन से ज़्यादा दमकल के वाहन मौजूद हैं और ब्लॉक एसी ये शुरू हुई थी और अब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रंट वाला एरिया है यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की है और रक्षा मंत्री के निर्देश पर ही आज ही रात AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचेंगे, जिससे कि इन हेलीकॉप्टर और प्लेन से मदद ली जा सके कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आग ज्यादा बड़ी लगी है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आग बुझाने की या इमरजेंसी या डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या पहले से तैयारी नहीं थी? देखिए ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक समय यहाँ पर मंत्रालय हुआ करता था और अब यहाँ पर हालांकि अभी भी सरकारी कामकाज यहीं से चलता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, आदिम जाति कल्याण विभाग की बात की जाए और अन्य विभागों की ही बात क्यों न की जाए निशान, यहाँ से कई विभाग चलते हैं। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी भी घोषित की है, जिसमें SES होम यानी कि गृह विभाग से राजेश रजौरा है, PS अर्बन से नीरज मंडलोई है, इसके अलावा ADG फायर जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी थी और आखिरकार इतनी बड़ी आग लगी उस पर इतने घंटे बीत जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इतनी बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की है। मगर जब हम यहाँ पर शाम 5 बजे पहुँचे थे निशांत, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस आग पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि जो ये तस्वीरें आप इस बिल्डिंग की देख रहे हैं यहाँ पर आग नहीं थी। यहाँ पर तो हमने लोगों को उस वक्त घूमते हुए देखा, या यूं कहें कि उस वक्त लोग यहीं से नीचे उतर रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ तक आग पहुँचेगी। इससे पीछे वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, मगर देखिए कि धीरे 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 ये आग बढ़ती गई और आखिरकार अब इस पूरी बिल्डिंग में आग एक तरह से दिखाई दे रही है और धुआं धुआं हर ओर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है। शुभम, आप इस खबर पे डिटेल रिपोर्ट निकालते रहिए, बताते रहिए हमें, हम आपके पास आते रहेंगे। बहुत चिंताजनक है। मतलब किसी स्टेट में आग बुझाने के लिए अगर एयरफोर्स की मदद मांगी जा रही है तो यह चिंताजनक है।